जिनको के हो पास अहदे वफा का, मुजाहिद खुदा का वली मुस्तफा का, चलेगा लड़ेगा ना अब कोई डाकू के मैदान वाले गांव के तराजू, चलेगा किसी का ना अब कोई जादू के मैदान मारे गांव के तराजू, पतंगों का तीरों का गुजरा जमाना, वो जिनको डर हो खुदा का, वो जिनको के हो इस रैली में शिरकत की, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन का बिगल बच चुका है, वो बरसाती मेंढक जिस तरह बरसात में मेंढक निकलते हैं एक महीने के लिए, हमारे हल्के में बरसाती मेंढक निकल आए हैं, जिन्होंने डेढ़ महीना गुजारना है, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे, किसी काम को नहीं कोशिश छोड़ेंगे। हमारी एक से गुजारिश ये भी है, ये बरसाती मेंढक का ख्याल रखना, ये फिर उसी तरह करेंगे जिस तरह 5 साल पहले करते थे, फिर भाग जाएंगे, वो आपके पास मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी एक और आजकल फैशन चल पड़ा है, जगह जगह जो बरादरी की मीटिंग होती है, फैसला किया जाता है कि जनाब एक बड़ा बंदा जो बरादरी का है, जहाँ वो कहेगा वो वोट देंगे। अफसोस से कहना पड़ता है कि जब कोरोना का जमाना था, कोई बरादरी की मीटिंग नहीं हुई, गांव में जब बच्चा जो यतीम हो जाता है, कोई बरादरी की मीटिंग नहीं होती, किसी पर कोई क्राइसिस होते हैं, कोई बरादरी की मीटिंग नहीं होती, लेकिन इलेक्शन में बरादरी की मीटिंग होती है, वोट डालने के लिए बरादरी की मीटिंग होती है। तो जनाब बड़ा जो होता है आगे करता करता, उसका जो है नाम बुला दो, बाकी जाए खड़े में आप उनका खास ख्याल रखें। अभी अभी कल मैं गाँव में गया हुआ था, वहाँ तो एक औरत ने मुझे कहा है कि जनाब हुकूमत के बंदा आए हुए थे कि आपने थोड़ी सी बजरी सी मुझे लगाना है और वोट हमें देना है। हालत यह हो चुकी है कि टूटी नाली खंभा और बजरी के चार बेचे पे भी वोट मांग रहे हैं, अगर उन्हें काम किए होते तो वोट ना मांगते। बाकी रह गए ये तीनों खानदान जो 50 साल से 60 साल से इस हल्के में पुरजवान है, क्या किया है शहर की हालत देख लें, सीवरेज सिस्टम नाकाम, 60 लाख का क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, पूरा शहर गंदा है। आजाद चीज के शहरों में से सबसे गंदा शहर भिम्बर का शहर है, तो सबसे ज्यादा जो पैसे खर्च होते हैं भिम्बर के शहर में खर्च होते हैं। देखे जी हम कहते हैं कि जो बरसाती मेंढक है, मैं सही कह रहा हूँ, काम तो हम करते हैं जो 5 साल जमात इसी हल्के के मौजूद रहे,
इस जिले में मौजूद रहे, हमने काम किया है, यतीमों का ख्याल हम रखते हैं, मस्किनों का ख्याल हम रखते हैं। जो कोरोना का जमाना गुजरा है, 2500 खानदानों का राशन हमने तकसीम किया है। जरा ये बता देते हैं क्या किया है, या तो अंदर गुस्से हुए थे किसी कोरोना ने गुजर था, लेकिन हम हमारे कारकुन तबादलाने के लोग बाहर जगह जगह फिर रहे थे और लोगों की खिदमत कर रहे थे। ये जो वक्त गुजरा है कोरोना का, मुश्किल वक्त था लोगों पर, अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो अब इसका क्या हाल है। जमात इस्लामी क्या करती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जमात इस्लामी ने पिछले 5-6 साल में क्या किया, कसदुमों से लेकर कस खदोड़ा, कस पथरोड, कस चनाते तक वाटर पंप जो लगवाए, पानी का बहुत बड़ा मसला है। ये रियासत का काम है। मैं बुनियादी जो 3-4 चीज़ें, रोजगार, पानी की पीने का पासा, पानी सेहत और सफाई और तालीम, ये रियासत का काम है, वो लिया करे। लेकिन रियासत इस काम में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, सड़कें तो बनी हैं लेकिन पीछे से टूट भी गई हैं। अभी ये कह रहे हैं जी कि हमने, मैं सोच रहा हूँ कि हमने तारक फरीद साहब की तकरीर सुनी, उन्होंने कहा जी कि मैंने पूरे हफ्ते में लिंक रोड जो मुकम्मल कर दी है। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में 30-30 साल को रहना हो सच है और सत्र के साथ झूठ है। आप कोई लिंक रोड नहीं, कोई लिंक रोड मुकम्मल नहीं है। कई लिंक रोड उन्होंने 2 किलोमीटर दे दिया, 1 किलोमीटर दे दिया, इससे ज़्यादा नहीं दिया। अगर दिया भी है तो 10 साल से यही कोई जमाने में, मतलब 10 साल ही 35 साल से ये मुहूर्त में आ रहे हैं। कहते क्या कुछ तो उतरा बना तो कुछ नहीं है। अभी भी ये बड़ा बावर कराते हैं कि जमनेजियम हमने दिया है बनाकर 4.5 करोड़ का, 4.5 करोड़ जमनेजियम तो नहीं है। चेरला में रिफाउंडेशन की बिल्डिंग है 4.5 करोड़ की बनी हुई, इधर भी क्लासें होती हैं, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, 4.5 करोड़ का क्या है, 1,00,000 रुपया खर्च नहीं, 1,00,000 रुपया खर्च करते हैं, 3.5 करोड़ रुपये जेब में जाता है। ये हमारी जो लिंक रोड है पिथौरानी से लेकर कस्कुमा तक सारी की सारी लिंक रोड जो टूटी हुई है, सारी की सारी लिंक रोड टूटी हुई है। हम क्या करना चाहते हैं, आखिर में थोड़ी सी मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं, हम अदारों को आज़ाद करवाना चाहते हैं। जितने भी अदारे हैं, जितने भी जिले में अदारे अभी आज़ाद नहीं है, उन अदारों के जो सरबरा हैं वो मौजूदा जो गुजर गई है पार्टी, इनके कुछ लोग थे जो अदारों को कंट्रोल करते थे, वो अदारे का जो सरबरा है उसको तो बांटते ही नहीं थे। अदारे यरगंदाल बने हुए हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अदारों को जो है आज़ाद करवाएं, ताकि अदारे अपनी अपनी वसाहत के मुताबिक काम करें। इस शहर का कोई वारिस नहीं है। आप चले जाए सफा बावली में, लोग कहते हैं जी नाला छोटा सा, जब बारिश होती है लोग दुआ करते हैं बारिश हो, तो सफा बावली के लोग कहते हैं जी हम दुआ करते हैं कि बारिश ना हो, इसलिए कि लोगों के घरों पर पानी जाता है। एक छोटा सा मसला जो आदमी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक डैम बना दिया वहाँ 10 करोड़ का, किसके लिए, वो मिट्टी से भर गया, क्या फ़ायदा, 3-10 करोड़ खर्च कर देते हैं। और एक दूसरी जमात है और खानदान भी है, दो उन्होंने भी हुकूमत की है, ज़्यादातर कमेंट साहब ने भी की है, सुपर साहब ने भी की है, उनके बेटे की भी रही है। क्या किया उन्होंने, अब क्या करेंगे, कोई झंडा नहीं है किसी के पास। मैं अल्फन कहता हूँ कि किसी के पास कोई झंडा नहीं है। अगर खिदमत का झंडा, डेवलपमेंट का झंडा है तो जमात इस्लामी के पास है, किसी के पास नहीं है। और आप इस झंडे में कहा और इंशाल्लाह हम इसी तरह काम करते रहेंगे। देखें मैं कहता हूँ कि आपको शायद ये लोग सुन रहे मेरी बात, 2015 में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, आर्फन केयर प्रोग्राम, यतीम बच्चों का प्रोग्राम। वो यतीम बच्चों का प्रोग्राम 2020 में हमारे ज़िले में शायद और नागर कोई बच्चा होगा जिसको जितनी बच्चा इसको हम सपोर्ट नहीं करते, समझ रहे हैं पूरे ज़िले के जितनी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, जमात इस्लामी के अदारे सपोर्ट कर रहे हैं, जमात इस्लामी के अदारे अफला स्कॉलरशिप, बड़े बड़े स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जमात इस्लामी के लोग पिछले दिनों में ये कोरोना की वजह से बच्चों की फीसें रुकी हुई थी, तो हमारे मेरे ज़िला ने पैसे इकट्ठे करके 6 लाख रुपया जो यतीम बच्चों गरीबों की जो फीसें अदा की हैं। मेरी आपसे गुजारिश है जब आपके पास ये लोग आते हैं तो जरूर पूछेंगे आपका झंडा क्या है, बगैर एजेंडे के चलते हैं, बगैर मंशूर के चलते हैं, बस बरादरी है,
सत्ता वोट है। नबी अगर वसलम जी की हदीस है तो उसके बाद ख़त्म करूँगा कि जिस रियासत की आप सलम ने फरमाया जिस रियासत की वो हम में से नहीं है, जो असबियत की खातर मरा वो हम में से नहीं है, जिस रियासत के खातर जंग की वो हम में से नहीं है। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोगों ने इस गर्मी में शिरकत की। वाखिर दावा।